जितने भी आंदोलन अभी चल रहे हैं उन सब से ये सरकार डरने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे लोगों के वोट नहीं चाहिए, इसे ईवीएम के माध्यम से वोट मिलते हैं। तो अगर हम लोग ईवीएम, देश की जनता जो अब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती, थोड़ी ताकत लगा के, थोड़ी मेहनत करके अगर हम लोग आगे बढ़ के ईवीएम को हटवा लेंगे, पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे, तो देश भी मजबूत होगा, देश का संविधान मजबूत होगा, देश की सीमाएं मजबूत होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती 100% हो, तो हम चाहते हैं कि जब तक कम से कम पूरी पर्चियां मतदाता के हाथों में दी जाए और उसमें ऐसी स्याही रहे जो हम मिट रहे और पर्चियां ड्रॉप बॉक्स में डाली जाए और पर्चियों की 100% गिनती हो। ईवीएम के सारे ये सरकार जो है वो बेईमानी से चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है, इसलिए ईवीएम पे प्रतिबंध होना चाहिए। संविधानवादियों से, सभी अम्बेडकरवादियों से और सभी इंसाफ पसंद और सच्चाई और ईमानदारी में और देशवासियों से हमारी ये अपील भी है, निवेदन भी है कि ईवीएम, अभी आप लोगों ने कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑर्डर देखा, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देने के लिए अपने आप को एम्पावर्ड या ताकतवर महसूस इसलिए कर पाई क्योंकि जनता, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो सड़कों पे आ गई। कल एक बहुत बड़ी जीत हुई है और अब उससे भी बड़ी ज़रूरत इस देश में ये है, चाहे जितने भी आंदोलन अभी चल रहे हैं उन सब से ये सरकार डरने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे लोगों के वोट नहीं चाहिए, इसे ईवीएम के माध्यम से वोट मिलते हैं। तो अगर हम लोग ईवीएम, देश की जनता जो अब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती, थोड़ी ताकत लगा के, थोड़ी मेहनत करके अगर हम लोग आगे बढ़ के ईवीएम को हटवा लेंगे, पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे, तो देश भी मजबूत होगा, देश का संविधान मजबूत होगा, देश की सीमाएं मजबूत होंगी, हर घर खुशहाल होगा। उदित राज साहब ने इतनी मेहनत करके और सब लोगों को एक साथ लाकर बड़ा कदम उठाया है, तो इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हम सभी से अपील करते हैं, ख़ास तौर पर कमज़ोर लोगों से, कमज़ोरों से, मजलूमों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान डेमोक्रेसी कमज़ोर होने का उन्हीं को होने वाला है। सभी कमज़ोर जो मजलूम हैं या इंसाफ पसंद लोग हैं, पूरी ताकत लगा के और हम उस दिन कुछ निर्णायक फैसले लेंगे और निर्णायक कदम उठाएंगे, उसमें सभी लोग शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव के लोगों को कहते हैं तो वो उतनी कारगर नहीं होती। मैं रतनलाल जी जैसे लोगों से, हालांकि ये लोग ज्यादा जगह तो नहीं जा सकते, यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं कम से कम प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर कुछ ट्रेनर तैयार करें, जो हम ट्रेनर तैयार कर लेंगे तो जो विचारधारा शाखा से चल करके, नागपुर से चल करके शाखा पे बात करते समाज में फैली है, उसको रोकने के लिए काशीराम द्वारा दिए माननीय काशीराम द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके कैडर कैंप के माध्यम से जब तक हम गांव गांव तक अपनी विचारधारा को नहीं फैलाएंगे, तब तक हम हमारे बहुजन समाज के लोगों के मानस को लड़ाई के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारा मानस तैयार नहीं होगा, ये लड़ाई की नहीं होगी और हम जीतेंगे। जब जब हम लड़े हैं तब तब जीते हैं, चाहे वो नीट की लड़ाई हो, चाहे वो रोस्टर की लड़ाई हो, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट की लड़ाई हो या किसानों का आंदोलन हो। जब हम संगठित हुए हैं तब तक हम जीते हैं, तो हमें संगठित होना होगा और हमें लड़ना होगा। जहाँ तक ईवीएम की बात है, मैं कहता हूँ चलो मान लो ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब तक उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है तो उसको हटा देना चाहिए। आप सब जानते हैं कि देश में ईवीएम जो आई है संविधान संशोधन के बाद आई है, तो यह तरीय शक्ति है तो संविधान में संशोधन हो, और इस सरकार का मानस नहीं है वो निजी जाति के संविधान में संशोधन हो। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती 100% हो, तो हम चाहते हैं कि जब तक कम से कम पूरी पर्चियां मतदाता के हाथों में दी जाए और उसमें ऐसी स्याही रहे जो हम मिट रहे और पर्चियां ड्रॉप बॉक्स में डाली जाए और पर्चियों की 100% गिनती हो, मैं यही चाहता हूँ। और जो बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत लोगों को अपनी बात करनी है और बातों की पुनरावृत्ति का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यही चाहूंगा कि आंदोलन गली गली में फैले, मोहल्ले मोहल्ले में फैले
वो आप सब लोग एक आंदोलन बड़ा हम सब मिलकर के खड़ा करें और इस समाज की न्याय को जीते। आपने यहाँ मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय संविधान। इसमें प्रतिबंध लग गया, लेकिन अफसोस की बात है भारत ने इसमें इतनी जोरदार मांग करने के बाद कि सरकार इस मुद्दे को नहीं छोड़ रही है, इसका बस कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर है इसमें। और मेरा कभी विश्वास यही है, मैंने कुछ लोगों को देखा था ट्रेन में बात करते हुए, मैं सफर कर रहा था ट्रेन में, वो आपस में बात कर रहे थे, मैं लेटा हुआ था आराम से, उन्हें पता था शायद ये सो रहा होगा, कुछ दिन 10-15 लोग थे वो पूरे डब्बे में, उसमें वो बात कर रहे थे डरते हुए, वहां जाके हमें ये काम कर रहा है, हमारे खिलाफ कौन करेगा ये काम, ये तो बहुत जरूरी है, मशीन में चेंजिंग कर दिया, दूसरा कुछ मुश्किल काम भी हो, कई लोग जा रहे थे कहीं चुनाव में, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन हुआ दिन से कि हाँ इसमें जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और ईवीएम के सहारे ये सरकार जो है वो बेईमानी से चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए ईवीएम पे प्रतिबंध होना चाहिए। दोस्तों, ठेकेदारी प्रथा इस देश में दबे कुचले लोगों को और दबाने का और बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा सोची समझे चाल है, ये तरीका है, क्योंकि जिस देश को, समाज को, प्रांत को या समाज को गुलाम बनाना हो तो उसकी आर्थिक कमर पहले तोड़ो, और ये ठेकेदारी प्रथा हम लोगों की भविष्य समाज की कमर तोड़ने के लिए हथियार है, क्योंकि आप जानते हैं इस भारत देश में यही वो तबका है जो जमीन जायदाद से, संपत्ति से वंचित है और भूमि ही नहीं, जो लोग बड़े बड़े जमींदार है, भूमि जिनके पास में है वो तो शहनशाह है इस देश के, लेकिन भूमि के पास में केवल कुल मिला के एक आसरा रहता है रोजगार का, नौकरी का, और नौकरी तमाम संस्थाएं हमारे देश की नौकरियों को ठेकेदारी में तब्दील कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि करना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो मनवा की तैयारी और दूसरी तरफ तुम्हारे कमर तोड़ने का प्रयास, कुल मिलाकर हम सब लोगों को गुलाम बनाकर ये अपने जंगल में रखना चाहते हैं, अपना राज करना चाहते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि आज का जो शासन है वो शासन तानाशाह है। मैं ये नहीं कहता कि हमें बहुत सारी सरकारों के टाइम में हमें पहले बड़ा न्याय मिला है, लेकिन एक बात जरूर मैं ठोक के कह सकता हूं कि जितना अन्याय, अत्याचार, बदसलूक की हमें अब सहनी पड़ रही है, शायद इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ था, ये हमें देखना पड़ेगा। कई लोगों ने चिंता जब की है, मैं भी उसी में थोड़ा समय कम दिया है, 3-2 मिनट का, मैं भी अपने आप लोगों के साथ जोड़ता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब यहाँ बोल के गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हमारे बघेल साहब जो आए थे मध्य प्रदेश से बोल के गए, बहुत अच्छा लगा। भाई हमारे उसके भाई यहाँ खड़े थे, बोल रहे थे, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, वास्तव में अगर आप SC ST OBC अगर आप मिलकर नहीं चले तो निश्चित जान लीजिए कि आपको गुलामी के दौर में धकेला जाएगा और आप जाकर भी कुछ बोल नहीं पाओगे, आपको मारा जाएगा, लेकिन आपको रोने भी नहीं दिया जाएगा, मैं कहना चाहता हूं आपसे। इसलिए आप बेहतर होगा, समय रहते आप समझ जाएंगे, एकजुटता से काम करेंगे। सही कहा है कि इस देश में 16% लोग वो हम पर शासन कर रहे हैं और हम लोग भेड़ बकरियों की तरह उनके सामने अपने आगे पीछे उनके घूम रहे हैं, ये धिक्कार है। मैं तो इस बात को कहनी चाहता हूं इस मंच से कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग इनके मुकदमा कर देना चाहे, जो आज भाजपा RSS का साथ दे रहे हैं वो नामर्द हो गए, वो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है,
इसलिए हमारे समाज का, मजदूरों का, गरीबों का, बहुसंख्यक समाज का वही प्रतिनिधि हो सकता है जो ठोस करके के साथ खड़ा हो और इनकी नुमाइंदगी करे, इनके साथ रहे, उस तरह देखे। लेकिन सत्ता के लालची कुछ लोग अपने आप को बदल देते हैं, जमीन को बदल देते हैं, इससे गिरी झिड़ोनी कोई बात नहीं हो सकती। मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं वकील साहब हमेशा आपके साथ था, हूँ और आगे भी रहूंगा, यह से मैं वादा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।